एक ग्रीन टी के पैकेट से आप बनाइए एंटी एजिंग क्रीम, जो आपके स्किन को दिन ब दिन निखारेगा, आपके स्किन से हो रहे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, एक्सफोलिएटर का काम करेगा, एक्ने को ट्रीट करेगा, साथ ही ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए बात करते हैं इस क्रीम को कैसे प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीन टी को बना लेना है। इसके लिए आपको चाहिए एक पैन, जो मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, एंड इसमें हम डालेंगे एक कप जैसा पानी। यस फ्रेंड, आपको वन कप दाल लेना है। आपके घर में जो भी कप आप यूज़ करते हैं टी के लिए, चाय के लिए, उसी साइज़ का आपको ले लेना है कप, और एक कप पानी भर करके आपको इस पैन में डाल देना है। आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। सेकेंड, आपको ये थोड़ी देर के लिए उबलने देना। उसके बाद आपके पास कोई भी ग्रीन टी हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, डजंट मैटर, बस ग्रीन टी होना चाहिए। आप ग्रीन टी को ले लेंगे और उसके बैग को इसमें डिप कर देंगे। आपके पास कोई भी ग्रीन टी है आपके घर का, या फिर आपके खुला हुआ ग्रीन टी है, तो आप उसी तरीके से ले करके इसमें डाल देंगे एक कप पानी में। और हमें करना है इसे अच्छी तरीके से बॉयल। आपको इतना बॉयल करना है कि 4 टेबल स्पून जैसा आपको पानी बच जाना चाहिए, 3 से 4 टेबल स्पून बचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो क्रीम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा वाटर रहने से वो बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, बहुत पतला हो सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जैसा पानी को उबाल के कर लेंगे। जो हमारा ग्रीन टी है ना, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे स्किन से एक्नेस को ट्रीट करता है, ये हमारे स्किन पे एक्सफोलिएटर का काम करता है, हमारे स्किन से जो हमारे क्लोज पोर हैं उसे क्लियर करता है, फाइट करता है एंटी एजिंग प्रॉब्लम को, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन हो रखे हैं उसे वह फाइट करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, कंट्रोल करता है ऑयल को। अगर आपकी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसे ये कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अब जो बॉयल करके बहुत कम क्वांटिटी में कर लिया है ग्रीन टी को, आप देख सकते हैं उसी तरीके से आपको भी कर लेना है बॉयल। इसे आप अगर आप कंजप्शन भी करते हैं तो आपको फैट लूज में ये बहुत काम करता है, बहुत सारे डिजीज़ से ये बचाता है। तो इसका कंजप्शन करना, इसे लेना डेली रूटीन में, ये आपके स्किन के लिए और आपके हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैंने उबाल लिया है, अब ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना ज़्यादा कम हो चुका है। तो हम इसे अब ट्रांसफ़र कर लेंगे एक साफ़ क्लीन बाउल में, या फिर आप जिस कप में आप रखना चाहती हैं उस कप में आपको रख लेना है। ये टी बैग को आपको फेंकना नहीं है। अगर आपका डार्क सर्कल हो रखा है तो ठंडा होने के बाद आपको अपनी आइज़ पर इसे रख सकती हैं। तो मेरा जो क्वांटिटी आप देख सकती हैं, जब मैं इसे कप में ट्रांसफ़र करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसे जब मैं कप में ट्रांसफ़र करूंगी और उसके लिए थोड़े देर के लिए रख दूंगी, क्योंकि मुझे गर्म, आप ये ध्यान रखिएगा बहुत हॉट हॉट आपको नहीं मिलाना है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, थोड़ा नहीं पूरा ठंडा ही होने देंगे हम, उसके बाद ही हम इससे क्रीम प्रिपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कप पानी से मैंने कितना कम कर लिया है, और आपको भी उसी तरीके से उबालते उबालते उसे बहुत कम क्वांटिटी में कर लेना है। इस टी बैग को मैं अपनी आइज़ के ऊपर रखने वाली हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। तो चलिए क्रीम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्रीम प्रिपेयर करने के लिए यहाँ बाज़ारू एलोवेरा जेल आपको ले लेना है। मार्केट का कोई भी एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपको ले लेने हैं। विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई ऑयल, दोनों में से जो आप ले सकते हैं वो ले लें। एक साफ़ क्लीन बाउल लेना है, जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई भी डर्ट पॉल्यूटेंट नहीं होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्रीम को प्रिपेयर करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो आपको दो बड़े चम्मच आपको एलोवेरा जेल ले लेने हैं। हम 15 से 20 दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको दिन में 2 मरतबा इसे लगाना है, 2 टाइम्स लगाना है। तो उसी बेस पे मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। ये हमारा बेस है इस क्रीम का। एलोवेरा जेल में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो हमारे एक्ने से फाइट करती है, हील करती है हमारे स्किन को। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, रैसेज हो गया, कहीं पर रेडनेस आ गई है, एलोवेरा जेल को लगाने के बाद ये तुरंत हील कर देता है। तो आपको 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं एलोवेरा जेल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है विटामिन ई के कैप्सूल।
विटामिन ई कैप्सूल आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, टाइटन करता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। विटामिन ई का कंजप्शन एंड एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन दोनों ही हमारे स्किन के लिए कारगर है। तो आपको एक विटामिन ई के कैप्सूल यहाँ पे ऐड कर देने हैं। विटामिन ई ऑयल हमारे स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आपने इसे कट कर लेना है और इसे इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। एंड इसके बाद हम कर लेंगे मिक्स। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपके स्किन पे बहुत मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आपके स्किन से बहुत सारे इशू को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्किन पे क्या क्या इश्यूज़ थे जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों का भी एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो आपके स्किन से छोटे छोटे दाने हो रखे हैं, गर्मियों में टैन हो रखा है, काली पड़ चुकी है, आपकी स्किन जो कहते हैं ना बिल्कुल मुरझा सी गई है, पिगमेंटेशन हो रखा है, तो इसे ये कंट्रोल करता है। इसे मिक्स करने के बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो मैं इस पूरे क्रीम का बेस इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा कॉफ़ी, जो हमने यहाँ पे उबाल के एकदम कम क्वांटिटी में कर लिया। तो इसे आपको एक बार स्पून से मिला लेना है, इसके बाद आपको स्पून से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये नहीं कि एक ही बार आपको डाल देना। मैंने यहाँ पहले छोटे वाले स्पून से 2 चम्मच डाला है, इसके बाद मैं कर लूँगी मिक्स। आपको ऐसे लगेगा कि ये मिक्स होने से तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे ना, वो एक क्रीम टेक्सचर में अचीव हो जाएगा। तो आपको एक बार में ही पूरे टी को या फिर ग्रीन टी को नहीं डालना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर आप 2 टेबल स्पून लेंगे, फिर 2 टेबल स्पून लेंगे, इस तरीके से आप लेकर के आप मिक्स करते रहिएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये राइट प्रोसेस है। अगर आप एक बार में डाल देंगे तो शायद ये अच्छे तरीके से मिक्स ना हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी लगने लगेगा शुरुआत में ही। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अब मैंने लास्ट में सारा ही ऐड कर दिया है, एंड इसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। ये एक जेल क्रीम बेस में आपको मिल जाएगा। एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है स्किन पे, दाग धब्बे हैं चेहरे में, रूखापन है, सूखापन है, आपके स्किन पे जो कहते हैं ना बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जा रही है, ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है, स्किन हमेशा जो लगते हैं ना खिंचावपन आ रहा है, ड्राई बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब के लिए कारगर है। आपके स्किन पे कॉलेजन बूस्टर का काम करेगा, जो कहते हैं ना क्लोज पोर है तो उसे क्लियर करता है। तो इसे आप डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। इसका टेक्सचर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसे देख करके ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं हम। इसका जो कहते हैं ना एकदम जेल बेस में एक टेक्सचर आना, जो मुझे बहुत क्लियर लगता है, मुझे बस जेल बेस की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जेल टेक्सचर की चीज़ें। इसके बाद में यहाँ पे आपको कोई भी खाली कंटेनर ले लेना है, कोई भी क्रीम के खाली बॉटल हैं घर पे, सीसी के खाली बॉटल हैं, जो क्लीन हो, जिसमें आप मसाले ना रखती हो, क्योंकि क्या होता है ना समटाइम की मसालों की वजह से आपके क्रीम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम का बॉटल इस्तेमाल किया है, इसे मैंने पहले वॉश किया है, उसके बाद ड्राई किया है। अच्छे तरीके से इसे सोखने के बाद इसमें हम क्रीम को, सारे क्रीम को ट्रांसफ़र कर देंगे। 15 से 20 दिन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से एवव लोग, सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 20-25 से एवव है, आज ही से प्रिपेयर करिए। आप 2 दिन में 2 मरतबा अपने ना स्किन को क्लीन करके लगा लीजिए, आपकी स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। एंड आपने कहना है भाई ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ये क्रीम आपके स्किन से डलनेस, ड्राइनेस और जो कहते हैं ना एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लड़का हो, लड़की हो, आप किसी भी एज ग्रुप में आती हो, इस क्रीम को प्रिपेयर कर ले और इसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई कर ले। अपना हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इसके लिए डैम श्योर हूँ कि इस क्रीम को लगाने के बाद आप कहने वाली हैं भाई वाह, ये तो मेरे पास हमेशा होना चाहिए। और मैं इस क्रीम को जब भी प्रिपेयर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किन में बहुत सारे चेंजेस, हर बार कुछ नया चेंजेस मिलता है। इसके बाद आपको इसे फ्रीज में स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल रख सकती हैं। रूम टेम्परेचर में आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकती हैं, मुश्किल से 1 वीक आप रख सकती हैं। मगर आप फ्रीज में रख रही हैं तो आप इसे 15 से 20 दिन रख सकती हैं। इसके बाद आपको फ्रीज से निकालना है, अप्लाई करना है एंड अगेन फ्रीज में रख देना है। ये नहीं कि अप्लाई किए उसके बाद बाहर छोड़ दिए फिर जब याद आया तब फ्रीज में रखे, नहीं, आपको लेना है और लगाने के बाद फ्रिज में डाल देना है। मैंने अपनी स्किन को यहाँ क्लीन कर लिया है, अब बारी है मेरे स्किन अप्लाई करने की। तो मैं यहाँ पे 1 फिंगर का इस्तेमाल करके पूरे स्किन पे डिप 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 कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं मसाज ले लूँगी।
सो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड आई होप यू गाइज कि आपको बिल्कुल ये क्रीम पसंद आने वाली है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस तरीके से 2 से 3 मिनट आपको मैं बता रही हूँ वैसे मसाज कर लेना है, दिन में 2 मरतबा आप सुबह और रात में लगा लें। फेस क्लीन होना चाहिए, फेस में मेकअप नहीं होना चाहिए। आप फेस को क्लींजिंग करने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगी, पूरे तरीके से मिला लेंगी और उसके बाद फेस पे अगर आप चाहें तो सनस्क्रीन वेयर कर सकती हैं या फिर ऐसे ही रख सकती हैं। सो आप बाहर निकल रही तो सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करिएगा, अगर घर पे हैं तो आप नाइट में इसे लगा करके सो सकती हैं, मॉर्निंग में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पूरी वीडियो से अगर कुछ भी गेन हो रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है।